सभी श्रोताओं को आजादी वाधवा का नमस्कार। मैंने बचपन में सुना था या मेरे माता पिता प्रायः बोलते थे कि बेटा अच्छे लोगों से दोस्ती करो, अच्छे दोस्त चुनो। उस समय मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मम्मी पापा मेरे दोस्तों के बारे में क्यों कुछ कहते हैं, मेरे दोस्त कौन होंगे ये मैं डिसाइड करूंगा। पर आज पता चलता है कि मम्मी पापा कितना अच्छा बोलते थे। अगर आपके दोस्त, आपके संबंधी, आपके संगी अच्छे हैं तो आप विकास करते हैं, आप अच्छे आदमी बनते हैं। पर वो अच्छे नहीं हैं, अगर आप बुरे लोगों से दोस्ती करते हैं तो यकीन मानिए कुछ दिन बाद आप भी बुरा आदमी बनना शुरू कर देते हैं। मैंने जब ज्वाइन किया था अपनी नौकरी को, उस समय मैं सेमी क्वालिफाइड था, मैंने कॉस्ट अकाउंटेंसी का इंटरमीडिएट पास किया हुआ था। और मुझे नौकरी मिलने के बाद ऐसा लगा मानो मुझे सब कुछ मिल गया है, अब मुझे क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं बनना। पर मेरी दोस्ती एक दो ऐसे लोगों से हुई जो क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट थे, वो आज भी हैं, रांची में हैं। वो मुझे बोलते थे अजय क्वालिफाई करो, इसके बगैर क्वालिफिकेशन अगर नहीं आएगी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं आएगी तो तुम्हारे आगे ग्रोथ रुक जाएगी। उसे मुझे पता नहीं चलता था। खैर मैंने उनकी बात मानी। मेरे एक बॉस थे वो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गए, बोले अजय पहले तुम पास करो। मैंने एक दो बार एग्जामिनेशन दिया, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट फाइनल बन गया। और तब मुझे पता चला कि अगर मैंने कॉस्ट अकाउंटेंट लोग से दोस्ती नहीं की होती या चार्टर्ड अकाउंटेंट से दोस्ती नहीं की होती तो मुझे वो क्वालिफाई करने के लिए कभी शायद बाध्य नहीं करते। अगर मेरे दोस्त क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते तो मैं आज नहीं बन पाता, क्योंकि फिर धीरे धीरे उम्र पार हो जाती। ऐसा ही मैंने कई बार देखा है कि अगर जो मेरा एक दोस्त था, वो पहले हमारे साथ वो खेलता उलता था, फुटबॉल खेलता था, बाद में वो बगल के मोहल्ले में जहाँ पर थोड़े शैतान टाइप के लड़के रखते थे उन लड़कों के साथ दोस्ती करनी शुरू कर दी। बाद में सिगरेट पीने की उसे बुरी लग गई, फिर वो चोरी चमारी करने लगा और अल्टीमेटली वो बाद में एक क्रिमिनल के रूप में क्रिमिनल बन पाया और बाद में उसका हर्ष बहुत बुरा हुआ। तो मुझे लगता है कि हमें अपने दोस्त बहुत सावधानी पूर्वक चुनने चाहिए और हमेशा अच्छे दोस्त चुनने चाहिए। किसी विद्वान ने कहा है, कंपनी ऑफ पिग्स मेक यू पिग। अगर आप सुअर से दोस्ती करेंगे तो आपको सुअर ही बनाएगा, बल्कि अगर आप सुअर से कुश्ती करेंगे, उसने कहा है कि इफ यू रेसल विथ ए पिग यू ओनली एंड अप डर्टी व्हाइल द पिग थैंक्स यू फॉर गिविंग इट एक्सरसाइज। आप सुअर से दोस्ती करते हैं तो आपको सुअर बनाता है, पर वो खुश होता है क्योंकि उसने वो उसको अपनी एक्सरसाइज करने का मौका मिल जाता है। मेरे विचार से हमें हमेशा दोस्त चुनते समय उसकी क्वालिफिकेशन, उसका सोचने का नजरिया, उसका फैमिली बैकग्राउंड और उसके आपके प्रति क्या श्रद्धा है, आपके प्रति कितना वो ईमानदार है, ये देखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके प्रति ईमानदार है, आपके लिए सोचता है, जरूरत पर आपके लिए खड़ा रहता है, जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, भगवान ना करे पर अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो आपको देने के लिए तैयार रहता है, आपके सुख दुख में भाग लेता है, तो आप उसके साथ दोस्ती करिए, क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति है, वो सदैव आपके साथ है। आप इसलिए दोस्ती नहीं करिए किसी के पास बहुत पैसा है या कोई बहुत बड़ा शिक्षाविद है, किसी का बहुत डिग्रियां हैं, उससे हम दोस्ती करेंगे तो आपको विद्वान बना देगा, नहीं, ये गलत बात है। हो सकता है वो तो स्वार्थी हो और कभी आपसे ना वो लक्ष्मी शेयर करे ना सरस्वती शेयर करे। तो कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने हमेशा लाइफ में देखा है। मैं जो युवा वर्ग मुझे सुन रहा, मैं यही बोलूंगा कि हमेशा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अंत में, कि हमेशा अच्छे लोगों से दोस्ती करें, पढ़े लिखे लोगों से दोस्ती करें, जो आपके प्रति सिंसियर हैं उनसे दोस्ती करें, जो आपके प्रति ईमानदार हैं उससे दोस्ती करें। आप भी अच्छे व्यक्ति बनेंगे और आपका जीवन भी सुखमय होगा, आप खुशमय होंगे। धन्यवाद।